तो ये गांधी जी का घर हुआ, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ। देखिए पूज्य महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान यही है, यही वो घर है जो गांधी जी का असली घर है। पुराना है, बहुत पुराना ये शहर है, पुराना एक गली है। आप यहाँ पर भी देखेंगे तो ये सीढ़ी जो है बहुत ही पुराना सीढ़ी है, ये सीढ़ी सालों पुराना है। आगे आइए, ये देखिए लालजी गांधी, उसके बाद जो उनके पुत्र हुए रामजी गांधी, उनके पुत्र हुए रहीस गांधी, रहीस गांधी के कोई नहीं पुत्र। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं गुजरात के पोरबंदर में हूँ और पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी के घर के पास हूँ और आज मैं उनका घर दिखलाने वाला हूँ और कहाँ पर उनका जन्म हुआ था वो सारे चीज़ मैं बतलाने वाला हूँ। अभी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये पुरानी पोरबंदर है और यहाँ पर तीन गेट है। देखिए सामने एक वन, इधर टू और ये तीन गेट है जो पुरानी पोरबंदर का है और इससे ये पूरा पोरबंदर शहर में एंट्री होता था। अगर ये तीनों गेट बंद कर दिया जाता था तो पूरा पोरबंदर जो है बंद, यहाँ से कोई बाहर ना जा सकते ना आ सकते हैं। ये राजा के द्वारा बनाया गया ये महल है और ये महल नहीं ये गेट है। आगे चलते हैं और मैं आपको दिखलाता हूँ कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था वो मैं आपको दिखलाऊँगा और उनका घर, उनका कहाँ पर वो पालन पोषण उनका हुआ सारे चीज़ मैं आपको दिखलाऊँगा। ये जो गेट आप देख रहे हैं कि उनके जन्म से पहले का बनाया हुआ है। आगे आइए और ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये राजा के द्वारा बनाया गया है ये सब चीज़ जो अभी इस तरीके से है। यही वो गलियां हैं जहां पर गांधी जी पले बढ़े। ये मंदिर है जो श्रीनाथ मंदिर है जो गांधी जी के जन्म से भी पहले का बनाया हुआ ये मंदिर है और ये जो बाजू में आप देख रहे हैं यही वो घर है जो गांधी जी का घर है। इनसे बातचीत करेंगे गांधी जी के बारे में और इस जगह के बारे में थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? संजय भाई। संजय भाई, संजय भाई बताइए कि ये जो गांधी जी का घर है ये बाजू में है ना? हाँ बाजू में ही है। तो ये पुराना वाला घर है? हाँ वो अंदर है ना पीछे, वो पुराना वाला है। गांधी जी का असली घर है? असली घर है। अच्छा। गांधी जी वहाँ ही जन्म हुआ है उसका। अच्छा अच्छा, लेकिन बनाया हुआ तब का है? बनाया उसका जन्म के पहले का ही है। अच्छा अच्छा, और बाद में सब रिनोवेशन करके सब बना के रखा है। वो किसने बनवाया? गांधी जी का घर है वो गांधी जी ने ही बनाया। बाजू में जो कीर्ति मंदिर है वो इधर के सेठ ने बनाया है, नानजी कालिदास मेहता ने। नानजी कालिदास मेहता, हाथी सीमेंट वाले। क्या? हाथी सीमेंट वाले। हाथी सीमेंट वाले, हाँ उसने बनाया है और सरकार ने उसको बना के दिया है। यानी कि अभी जो वर्तमान में नानजी कालिदास मेहता के जो अभी पीढ़ी है उनका नाम मालूम है आपको? मालूम? जय मेहता। जय मेहता, जो जिससे किससे शादी किए? जूही चावला। जूही चावला, जूही चावला जो हीरोइन है उनके हस्बैंड है, उनके पिताजी, उनके पिताजी ने ही गांधी जी का ये जो घर है उसको बनवाया है जो अभी मैं ले करके चल रहा हूँ। और आगे चलते हैं और वो चीज़ मैं आपको दिखलाता हूँ। आगे जो है ये सारे जो देख रहे हैं पुराना है, बहुत पुराना ये शहर है, पुराना एक गली है। आप यहाँ पर भी देखेंगे तो ये सीढ़ी जो है बहुत ही पुराना सीढ़ी है, ये सीढ़ी सालों पुराना है। आगे आइए, ये कृति मंदिर है। कृति मंदिर के नाम से गांधी जी का घर जाना जाता है। यहाँ पर लोग जो है देश के अलग अलग कोना से आते हैं और गांधी जी के गृह स्थल का दर्शन करते हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। आगे मैं चल रहा हूँ और आपको दिखलाता हूँ। आ जाइए, आइए, मैं अंदर आ गया हूँ। और ये देखिए, आ जाइए, ये देखिए मैं अंदर में आ गया हूँ और अंदर में इस तरीके से गांधी जी के पूरे जीवनी काल का तस्वीर जो है लगाया गया है। बीच में ये जो पूरा हॉल है इस तरीके से एक बहुत बड़ा महल जैसा बनाया गया है। जो भी मैं उनसे पूछा, नानजी कालिदास मेहता जिन्होंने इसको निर्माण करवाया और इसको उद्घाटन हमारे भारत देश के लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको उद्घाटन किए थे। और आगे आप देखिए, यही है गांधी जी का घर। लेकिन आप मेरे साथ बने रहें, मैं गांधी जी का वो जगह भी दिखलाने वाला हूँ जहाँ उनका जन्म हुआ था। आगे पहले इधर देख लीजिए जो अभी बना है। यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर
पोरबंदर के सेठ थे श्री नानजी भाई कालिदास महनाने महताने महताने उनका नाम है। उन्होंने ही इसका इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया था। अंदर आइए, ये देखिए, ये जो है गांधी जी का चरखा जो गांधी जी चलाया करते थे, सूत काटते थे, वो यहाँ पर है और उन्हीं का ये चरखा है। और यहाँ पर जो सबसे खास चीज़ आपको देखने को मिलेगा वो ये है, तो ये गांधी जी का पूरा कुल का दिखलाया गया है। सबसे पहले गांधी जी के यहाँ से शुरू किया गया है लालजी गांधी, उसके बाद जो उनके पुत्र हुए रामजी गांधी, उनके पुत्र हुए रईस गांधी, रईस गांधी के कोई नहीं पुत्र हुए, उसके बाद रईस गांधी के एक पुत्र हुए दमन गांधी, उसके बाद हरिजीवन गांधी, उसके बाद उत्तम गांधी। उत्तम गांधी के ये सारे इतने इधर का जो है इस तरीके से ब्रिज है वो बतलाया गया, ब्रिज के माध्यम से समझाया गया, इधर लाइए। और उसके बाद जो है करमचंद गांधी, करमचंद गांधी के इतने सारे पुत्र हुए जो यहाँ पर इस तरीके से डाल डाल बना करके दिखलाया गया है। उसके बाद करमचंद गांधी के देखिए इतने सारे पुत्र हुए, उसी में से एक मोहनदास करमचंद गांधी हुए, और मोहनदास करमचंद गांधी के इतने सारे पुत्र हुए, उसके बाद ये वंशज जो है इस तरीके से इधर बताया गया है। उसके बाद करमचंद गांधी के जितने सारे इधर पुत्र हुए, उनके बाद जो पोता वगैरह जितने सारे हैं सबको इधर इस तरीके से दिखलाया गया है, दर्शाया गया है और इस तरीके से लोगों को समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं। और गांधी जी जो बर्तन अपने दैनिक जीवन में यूज करते थे खाने पीने के लिए, वो सारे सामान इधर इस तरीके से रखा गया है जो आप देख रहे हैं। और बाकी इधर जो है गांधी जी का कुछ तस्वीर है जो यादगार के लिए। गांधी जी जो सूत काटते थे, जिस कॉटन को, कपास को, उस कपास को भी यहाँ पर रखा गया है। आगे मैं बोल रहा हूँ तो इतने सारे लोग सुनने लगे, मैं कोई गाइड नहीं हूँ। नहीं नहीं, अरे अच्छा, इन लोग को भी दिखाओ। आप लोग कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र। तेलंगाना से। तेलंगाना से। श्रीडिका। आप? तेलंगाना से। तेलंगाना से, हैदराबाद से। चलिए, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, अच्छा लग रहा है मुझे भी आकर के। ये देखिए, ये सारे लोग जो हैं अलग देश के अलग अलग कोना से आए हुए हैं। ये महाराष्ट्र से हैं, तेलंगाना, तेलंगाना से हैं आप? तेलंगाना। आप कहाँ से? सिरडी से। देखिए एक कैप भी लगाए हुए हैं। और देखिए ये सारे चीज़ें जो है इस तरीके से हैं। गांधी जी का तस्वीर जो है यहाँ पर रखा गया है, जो आएंगे तो आपको दर्शन करने को मिलेगा। और भी है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं आपको जल्दी जल्दी से दिखलाता हूँ। आप लोग आओ आगे, अब निकल रहे हैं, आप लोग बने रहे मेरे साथ, मैं आपको गांधी जी का घर दिखलाने वाला हूँ। यहाँ पर आएंगे तो आपको गांधी जी और कस्तूरबा जी का यहाँ पर तस्वीर बहुत बड़ा सा दिखेगा, यानी सत्य और अहिंसा का यहाँ पर लिखा हुआ भी मिलेगा, और इस तरीके से तस्वीर आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आप लोग को गांधी जी का वो स्थान दिखलाने वाला हूँ जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो आइए चलते हैं। ये देखिए, ये जो जगह है, यहाँ पर जितने भी हमारे वीर सैनिक है जो देश के लिए कुर्बान हो गए, उनका यहाँ पर तस्वीर इस तरीके से बैनर में लगा करके रखा गया है। जो महावीर चक्र को हासिल किए, वीर चक्र हासिल किए, परम वीर चक्र हासिल किए, उनका ये सारे फोटो यहाँ पर लगाया गया है। ये भी जो थल सेना, जल सेना, वायु सेना सबका यहाँ पर है। अब मैं आपको जो दिखलाने वाला हूँ, जिसका आप लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे होंगे इस वीडियो में कि कब मैं वो मुझे वो चीज़ देखने को मिलेगा। ये देखिए, पूज्य महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान यही है, यही वो घर है जो गांधी जी का असली घर है, लेकिन ये तो अब बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। ये देखिए, ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं उसी समय का ये दरवाज़ा है जब गांधी जी का जन्म हुआ था, गांधी जी रहते थे इसमें। ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये सारे जो है उसी समय का है, गांधी जी के ही समय का है। गांधी जी इसी घर में पले बढ़े, ये सारे देख रहे हैं इस तरीके से पूरा। ये दो मंजिला, तीन मंजिला इमारत है ना, 1, 2, 3, तीन मंजिल। आगे आ जाइए। यहाँ पर जो है जो पुराने जमाने में पहले के लोग है, ये पानी रखने का है, और वो जो है चक्की जिससे गेहूं पीसा जाता था। और आगे आते हैं।
और ये देखिए ये जो है ये कमरा जो है गांधी जी का जन्म यही हुआ था इसी जगह में। यहाँ पर अंदर जाना माना है क्योंकि अंदर में काम चल रहा है और यहाँ पर गांधी जी का एक बहुत बड़ा सा तस्वीर लगाया गया है। आगे इधर देखिए यह कमरे में पूज्य महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था ये लिखा हुआ है। आगे आते हैं और ये जो हुए ये जो तस्वीर है माता श्रीमती पुतली बाई गांधी जी का ये तस्वीर है जो गांधी जी की माँ थी। ये तस्वीर है जो पिता श्री करमचंद गांधी उत्तम चंद गांधी जी का ये तस्वीर है जो गांधी जी के पिता थे। चलिए आगे ये देखिए इसमें तो लिखा हुआ नहीं है लेकिन हमारे ख्याल से शायद ये छोटा कमरा या किचन होगा उस समय का या पूजा घर होगा। और ये खिड़की देख रहे हैं लकड़ी का उसी समय का ये है कितना मजबूत है। ये दरवाज़ा भी उसी समय का है। आगे बढ़ते हैं तो ये है उनका घर। ये नीचे का है ऊपर में भी है उसके ऊपर में भी है। तो ये सबसे पुराना घर है जो गांधी जी का है जिसको मैंने आपको दिखलाया। यहाँ पर लोग हैं जो अलग अलग जगह से आए हुए हैं यानी कि देश के अलग अलग कोना से। आप कहाँ से आए साहब? देहरादून उत्तराखंड से पहुँचा हूँ। देहरादून उत्तराखंड से पूरे फैमिली के साथ? पूरी फैमिली के साथ आए हैं और गांधी जी का हाँ घर देखना चाह रहे थे तो इसलिए हमने सब परिवार सहित यहाँ पहुँचे हैं। हाँ देखें कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग पुरानी सभ्यता को छोड़ छोड़ कर क्यों जा रहे हैं। सब कुछ बढ़िया था, यहाँ जरूरत ही नहीं थी पंखों की एसी की। आप इन्हीं घरों में रहें कितना अच्छा है। हाँ अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से आई हो? ये हमारी बेटी। अच्छा आ जाओ। तो ये देखिए ये पूरे फैमिली के साथ में आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? सचिन गुप्ता। सचिन गुप्ता। आपका? रेखा गुप्ता। आपका? साक्षी। साक्षी गुप्ता। तो ये गुप्ता जी हैं जो यहाँ पर आए हैं गांधी जी का घर देखने के लिए। ये देखिए जो किस तरीके से गांधी जी के जो पुराना घर है उसको पेंट करके अब इस तरीके से बनाया गया है वो है। सबसे पहले इधर ऐसा दिखता था, पेंटिंग किया गया है लेकिन धीरे धीरे ये सब जो है इस तरीके से पेंट किया गया है। जाली जो पत्थर के काट कर बनाया गया था वो जाली है। आगे बढ़ते हैं और कुछ दिखलाता हूँ। ये देखिए सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि उस समय जब घर बनाया जाता था तो हवा आने के लिए रोशनी आने के लिए इस तरीके से बनाया जाता था। और ये जो आप देख रहे हैं ये कलर उसी समय का है। आगे आते हैं। कितना कितना पुराना घर है आप सोच सकते हैं। ये पूरा इस तरीके से है। वो खिड़की पहले जो छोड़ा जाता था उस समय ये खिड़की के बारे में वहाँ तस्वीर में दिखलाया गया था। ये जो आप देख रहे हैं ये खिड़की है। आगे बढ़ते हैं। ऊपर में स्टोन का जो पत्थर का काट करके खिड़की बनाया गया है वो भी आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं ऊपर। ऊपर में चलेंगे और ऊपर में जा करके आपको दिखलाएंगे कि वहाँ पर क्या है। ये जो है ये पूज्य कस्तूरबा गांधी का पुस्तकालय है जो ऊपर में है और हम अभी चल रहे हैं वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं और आगे में जो है यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है कि वे टू फोटो गैलरी। यहाँ पर जो है गांधी जी के जीवन से पूरा संबंधित फोटो लगाए गए हैं बचपन से लेकर के अंतिम समय तक। और वो भी चीज़ मैं आपको दिखलाता हूँ। ऊपर में आने के बाद मुझे ये नज़ारा देखने को मिला इसलिए मैं सोचा कि सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखला देता हूँ। ऊपर से देखने के बाद ये शहर इस तरीके से दिखता है। और ये सारे जो दिख रहे हैं ना ये सारे बंगला उस समय के ही बनाया गया ये बंगला है यानी राजा के द्वारा ही बनाया गया है या उस समय के जो सेठ थे उनके द्वारा ही बनाया गया ये सारे बंगले हैं जो दिख रहे हैं। और यहाँ से इस तरीके का ये घर दिखता है। अब मैं चल रहा हूँ फोटो गैलरी में अंदर। आइए और ये आगे से यहाँ से एंट्री होता है और जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर जो है गांधी जी का पूरा तस्वीर और सारे चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से रो में रखा गया है और यहाँ पर कुछ कुछ जो है मिट्टी का बना हुआ
चिड़ियाँ और राजा रानी नृत्य करती हुई महिला का ये दिखने को मिल जाएगा। आगे इस तरीके से चरखा भी है, बहुत सारे चीज़ें, सारे मिट्टी का है। यहाँ पर एक दिखने को मिल रहा है बापू के तीन बंदर, एक का कान बंद, एक का आँख बंद, एक का मुंह बंद, बापू का तीन बंदर जिसका दिखाया गया है। आगे ये देखिए, ये क्या है इसके बारे में लिखा नहीं गया, लेकिन जो भी है आगे आते हैं। ये मधुमक्खी पालन के बारे में यहाँ पर कुछ कुछ दिखलाया गया है। और ये सारे जो हैं शहद हैं। आगे ये जब गांधी जी आंदोलन कर रहे थे उस समय का ये है। ये देखिए गांधी जी महाविद्यालय मंडल, उनका सर्टिफिकेट है, प्रमाणित किया जाता है कि मीटर गया है मोहनदास करमचंद गांधी को मंडल की अस्थाई संलग्नता दी गई। अच्छा, ये विद्यालय का कोई ये है, वो उनका सर्टिफिकेट नहीं है। ये देखिए यहाँ पर उस समय का एक बाजा रखा गया है, यानी कि म्यूजिक, जिसमें बड़ा सा कैसेट होता था और उसमें रख देते थे और गोल गोल घूमता था और म्यूजिक बजता था, वो है। ये देखिए ये वो सेट हैं जो गांधी जी को पहली बार साउथ अफ्रीका बुलाए थे, जिनका नाम सेठ हाजी अब्दुल्ला जवेरी था। आगे आते हैं और इस तरीके से सारे चीज़ जो है देखने को मिलेगा। इस गैलरी में जितने सारे तस्वीर आप देख रहे हैं इस हॉल में, ये सारा तस्वीर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के सौजन्य से लगाया गया है, जो आप इस तरीके से देख रहे हैं। हालांकि पोरबंदर शहर को बैंकों का शहर भी कहा जाने लगा है अब, क्योंकि यहाँ पर बैंक के इतने सारे ब्रांच है कि मैं उसको गिन नहीं सकता हूँ। बहुत सारे ब्रांच है, हर गली में दो चार ब्रांच है, हर गली में दो चार बैंक का ब्रांच है। आगे ये गांधी जी का पूरा तस्वीर जो इस तरीके से देख रहे हैं। गांधी जी एक बाइसिकल चालक के रूप में, गांधी जी जब साइकिल चला रहे थे, और सारे तस्वीर इस तरीके से है। गांधी जी जब फ़ोन से बात करते थे उस समय का है। गांधी जी चार्ली चैम्पलिन के संग, चार्ली चैम्पलिन जानते ही हैं कौन थे, बहुत अच्छे एक्टर थे। ये देखिए गांधी जी रोम में पत्रकारों के साथ, रोम के पत्रकार ऐसे होते थे, देखिए कोट में पूरा। गांधी जी लंदन में कुछ मित्र समूह के संग, लंदन में उस समय का है। गांधी जी लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तब गांधी जी गए थे, उसके बाद गांधी जी गए ही नहीं थे। अब इस फोटो गैलरी वाले जगह से निकलने के बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है बाल मंदिर है, बाल मंदिर के नाम से इस सेकेंड फ्लोर को जाना जाता है। और आगे कस्तूरबा पुस्तकालय है, वो है आगे में जो है इस तरीके से है। यहाँ पर ऑफिस है जो बंद है, और ये जो जगह है इस तरीके से बनाया गया है। आगे ये जो है यहाँ पर लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी है जिसमें किताब वगैरह सारा चीज़ होगा लाइब्रेरी में, आप समझ ही रहे हैं। और वो बंद है, यहाँ पर लगाया भी गया है। और इस तरीके से ये गांधी जी का घर है। तो मैं अभी यहाँ पर आ गया हूँ सेकेंड फ्लोर पर, और वो जो है वही गांधी जी का असली घर है जो मेरे हाथ के सामने देख रहे हैं, जहाँ मैं अंदर गया था। तो ये गांधी जी का घर हुआ, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये तो गांधी जी के बाद का बनाया हुआ है, जो यहाँ के सेठ थे वो बनवाए थे, और वो पुराना वाला घर हुआ। लेकिन मैं आपको यहाँ पर आ करके ये सारे चीज़ें दिखलाया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा तो आप लोग से यही एक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और वो भी जान सके कि गांधी जी का घर कहाँ पर है, कहाँ पर वो पले बढ़े, कैसे वो रहते थे, उनका घर कैसा दिखता है, और उनके अंदर भी जिज्ञासा जगे कि वो भी यहाँ पर आ करके देख सके। ख़ास तौर पर मैं आप लोग से इसलिए शेयर करने के लिए बोलूँगा ताकि जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं वो भी गांधी जी के बारे में जानें और गांधी जी के घर को देखें,
गांधी जी के बारे में इतना सारा इतिहास बताया जाता है, कम से कम ये तो देखे कि गांधी जी का घर कहाँ पर है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, गांधी जी का जन्म स्थल कैसा है। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं कुछ अच्छा दिखला पाया हूँगा। जय हिंद।